नमस्कार NBCN के दर्शकों का doctor.com में हम स्वागत करते हैं। मैं हूँ रत्नाकर, मेरे साथ में है डॉक्टर अतुल तेलरांदे जी। इससे पहले कि मैं डॉक्टर साहब को से चर्चा करूँ, मैं विषय दर्शकों के साथ में साझा करना चाहूँगा। कई बीमारियाँ हमारे ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन एक जो हम सपना देखते हैं हमारे ज़िंदगी का, वो सपना हम देखते हैं कि हमारा जीवन स्वस्थ रहे, सकुशल रहे, सपरिवार रहे। और जब परिवार की बात करते हैं, जब दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं, तो दाम्पत्य जीवन का अभिन्न अंग जो होता है वो होता है एक सेक्सुअल समस्याओं को लेकर। तो ये और कई बार देखा गया है कि जब हमारे अंदर में ये बीमारियां पनपती है या हमें ऐसा लगता है, तो हम कई बार बात ही नहीं कर पाते, और जब ये बात नहीं कर पाते तो ये समस्याएँ जो है कभी कभी विकराल रूप धारण करती हैं। तो इस समस्या से जुड़ी हुई जो कुछ खास टिप्पणियां हैं, जो खास इसके अंग हैं, हम उसके बारे में आज डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करते हैं इस माध्यम से। डॉक्टर साहब, फिर से एक बार आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसे कि हमने शुरुआत की और बताया, तो ये लैंगिक समस्याएं जो होती है, ये एक्चुअल में होती क्या है? देखिए, जैसे लैंगिक समस्या, ये वर्ड ही समस्या लेके आ जाता जी बिल्कुल, क्योंकि ये समस्या ऐसी होती है कि सबकी पर्सनल होती है जी, ये आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते जी। कई बार हिचकिचाहट होती है मन में कि मैं कैसे बात करूं, दिखा नहीं सकते, बता नहीं सकते किसी को। फिर आपको किसी मेडिकल एड की जरूरत पड़ती है कि आपको पर्टिकुलर डॉक्टर से आपको ये सारी चीजें शेयर करनी पड़ती है। तो सबसे पहले उसकी समस्या ये है कि आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते जी। अब हम लैंगिक समस्याओं की बात करें तो दे आर कंसर्न टू योर सेक्सुअल बिहेवियर और सेक्सुअल लाइफ, पर्सनल सेक्सुअल लाइफ। तो इन समस्याओं में ऐसा मेजर दो समस्याएं ज्यादा पाई जाती है जी, कि आप वो एक्ट ऑफ सेक्स या फिर आप यौन संबंध सीख ठीक से प्रस्थापित नहीं कर पाते। हाँ, मतलब आप परफॉर्म कैसा परफॉर्म नहीं कर पाते, या फिर आप उसमें खुश नहीं है जी, जो भी आप कर रहे हो उसमें आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है आइदर, और फिर आप वो एक्ट ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहे, आपकी जो एबिलिटी है वो थोड़ी सी कम होगी जी। शुरुआत यहाँ से हो जाती है जी। इसमें आप दो प्रकार की ज्यादातर प्रॉब्लम मिलती है, एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और दूसरा प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जी। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जिसे हम बोलते हैं शीघ्र पतन, और एक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में वो एक्ट परफॉर्म करने के लिए जो इरेक्शन चाहिए होता है ऑर्गेन्स में जी, या फिर वो विल चाहिए होती है वो कम पड़ जाती है जी। तो इन ये दो चीजें मेजर उसमें दिखती है, इसे हम यौन या लैंगिक समस्याओं के साथ डील करते हैं। इसके अलावा भी छोटी छोटी समस्या है, लेकिन ये दो मेजर लीडिंग है। जब ये समस्याएं हैं तो इनके कुछ रूट कॉज भी होते होंगे, कुछ ऐसे कारण होते होंगे कि जिससे ये समस्याएं पनपती हैं जी, वो क्या हो सकते हैं? उसके लिए कारण देखिए हार्मोनोलॉजी में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है जी, और उसके लिए ज्यादातर साइकोलॉजिकल बैक ऑफ हार्मोनोलॉजी साइकोलॉजिकल कारण होते हैं, स्ट्रेस जी, तनाव जी, ये सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल लाइफस्टाइल भी आपकी इसमें। उसके अलावा फिर आपके फिजिकल पावर्स कम हो जाना या फिजिकल आपके लिमिटेशंस आ जाना, इसके लिए सबसे ज़्यादा कारणीभूत जो रोग है वो डायबिटीज यानी मधुमेह है, और ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, और उसके बाद हार्ट की कुछ डिसऑर्डर्स जी, या फिर अन्य कोई जैसे लीवर से रिलेटेड, किडनी से रिलेटेड, या इम्यूनोलॉजिकल सप्रेशन आपकी बॉडी में अगर ऐसा है, आपको हमेशा से वीकनेस रहता है, आपका हीमोग्लोबिन वगैरह कम रहता है, आपको वीकनेस ज़्यादा मिलता है जी जी जी, ये इन कारणों से आदमी पर्टिकुलरली वो एक्ट में उतनी एनर्जी या फिर समय नहीं दे पाता, परफॉर्मेंस नहीं दे पाता, ये उसके बेसिक कारण है। फिजिकल कॉजेज बताए, मेंटल या साइकोलॉजिकल कॉजेज, दो उसके मेन कारण है। मेजोरिटी ऑफ कॉजेज आर कंसर्न टू हार्मोनोलॉजी एंड मेंटल स्ट्रेस। इसमें कुछ मेरा एक ऐसा पर्सनल मेरा आपसे सवाल है कि इसमें जो एडिक्शन होता है जैसे अल्कोहल का एडिक्शन या सिगरेट का एडिक्शन, क्या ये भी फैक्टर किसी तरह से इस पर इफेक्ट करते हैं? डेफिनेटली, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। अल्कोहल एडिक्शन, टोबैको एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन जी, और स्पेशली किसी भी प्रकार का एडिक्शन हो जी जी, ओवर डोजेस ऑफ इवन आप कॉफी टी भी ओवर डोजेस में लेते हो, या फिर आप जंक फूड फास्ट फूड भी ओवर डोजेस में लेते हो, या फिर आपका खाना ही इस प्रकार का अनहेल्दी है, और इसके साथ साथ ये अल्कोहलिक एडिक्शन या टोबैको स्मोकिंग, चैन स्मोकिंग, या फिर ड्रग एडिक्शन, या फिर स्लीपिंग पिल्स वगैरह खाना, इसका एडिक्शन हो जाना, ये सारी चीज़ें डेफिनेटली आपके इस पर्टिकुलर
फंक्शन पे अफेक्ट करते हैं, उससे वो सप्रेस हो जाता है फंक्शन, और कहीं ना कहीं बहुत बड़ा परफॉर्मेंस जो है वो आपका कहीं ना कहीं वो एक माइनस में जाने की संभावना बनी हुई है। डॉक्टर साहब, जब हम बात कर रहे हैं कि ये लैंगिक समस्याएं होती है, किन किन कारणों से होती है, तो इन कारणों के चलते फिर एक इसका मैनेजमेंट भी होता होगा कि अब इसको हम अब पता चल गया कि अब मुझे इस समय इस तरह की कोई लैंगिक समस्या है, तो फिर मैंने कैसे डॉक्टर के पास में इसको प्रेजेंट करना है, कैसे इसका आप मैनेजमेंट? आप सबसे पहले तो आप अपने मन में ठान लीजिए कि ये जो प्रॉब्लम आपके साथ हो रही है जी, जो आपका पार्टनर है आप उसके साथ तो डिस्कस कर ही रहे हैं, आपको जाके फिर एक मेडिकल एड एक पर्टिकुलर डॉक्टर कंसर्न डॉक्टर से आपको ये सारी चीज़ें शेयर करनी पड़ेगी, उनको प्रॉब्लम्स बतानी पड़ेगी जी, आपको सारी हिस्ट्री ठीक से बतानी पड़ेगी, आपके फिजिकल या मेंटल और कोई एलिमेंट्स या फिर डिसऑर्डर्स आपकी बॉडी में चल रहे हैं या आपकी कोई मेडिसिन चल रही है वो सारी चीज़ें, या फिर कोई आपको एडिक्शन है, जो जो हमने कॉजेस अभी रूल आउट किए उन सबके बारे में आपको हिस्ट्री डॉक्टर को बतानी पड़ेगी, बिल्कुल बतानी, डॉक्टर फिर आपको हेल्प करेंगे। इसमें दो प्रकार का ट्रीटमेंट किया जा सकता है, काउंसलिंग जी, काउंसलिंग यानी पेशेंट के साथ उसकी मेजर प्रॉब्लम जो उसका मेन कॉज है, और एक ब्रिज भी जो है वो बन जाए कि आपकी जो लैंगिक समस्या है वो आप डॉक्टर के साथ में और अपने पार्टनर के साथ में सही तरीके से आप उसको प्रेजेंट कर पाए। या उसमें काउंसलिंग में ऐसा करते हैं कि दोनों पार्टनर्स को बुलाया जाता है जी, फिर जी, उनको सेपरेटली काउंसलिंग किया जाता है या फिर साथ में काउंसलिंग किया जाता है, जैसे भी वो कंफर्टेबल फील करें जी, और उसमें उनको फिर एक्ट ऑफ सेक्स के बारे में थोड़ा डिटेल जानकारी दी जाती है। उसके लिए कॉजेस देखिए, मेंटल कॉजेस में तो मैंने आपको बताया स्ट्रेस एक कॉज हो सकता है, उसके अलावा बचपन से अगर आपकी कोई गलत आदतें रही हो जी, बेसिकली कैसा है देखिए, जैसे आप गाड़ी चलाना जानते हो जी, तो आप गाड़ी एक दिन में चलाना नहीं सीखते, वो लर्न रिफ्लेक्स है। करेक्ट, आप फोर व्हीलर चला रहे हो तो आपका व्हील भी मैनेज कर रहे हो, गियर भी मैनेज कर रहे हो, ब्रेक भी मैनेज कर रहे हो, क्लच भी मैनेज कर रहे हो, सामने देख भी रहे हो, हॉर्न भी बजा रहे हो, इट्स अ मल्टीटास्किंग एक काम, ये लर्न रिफ्लेक्स में। यस करेक्ट, उसी तरीके से सेक्स भी एक लर्न रिफ्लेक्स है जी, तो शुरू में एकदम अर्ली एज में क्या होता है कि कुछ लोगों को मास्टरबेशन या फिर गलत आदतें इस प्रकार की, इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब मैं आपके इस बीच में रोक रहा हूँ, आज के आधुनिक जगत में आपके मोबाइल पे पोर्नोग्राफी भी एक जो चैप्टर है, क्या ये इस बात के लिए कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है कुछ हद तक? पुराने जमाने में क्या होता था कि लैंगिक चीज़ों का ज्ञान बच्चों को मैच्योर एज में दिया जाता, बिल्कुल एज अ साइंस उनको पढ़ाया जाता था जी, उसका एक राइट एज उनको बताया जाता था जी, इसलिए वो मैच्योर्ड होके पर्टिकुलर उस एक्ट को साइंटिफिक तरीके से अप्रोच करते। बिल्कुल बिल्कुल, अभी ऐसा हो रहा है कि मोबाइल पे हर चीज़ अवेलेबल है, तो वो एकदम अर्ली एज में बच्चे वो सारी चीज़ों को देख लेते हैं एंड देन दे गेट कन्फ्यूज्ड, उनकी साइकोलॉजी थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है, जिस चीज़ के लिए वो तैयार नहीं है वो चीज़ वो परफॉर्म करना शुरू कर देते। बिल्कुल, वो परफॉर्म करते समय कई बार ऐसा होता है कि दे परफॉर्म इट इन अ रॉन्ग वे और वो रिफ्लेक्स उनके दिमाग में फीड हो जाता है। बराबर, वो इस प्रकार से प्रीमैच्योर इजेकुलेशन के कॉजेस यही है, या फिर कई बार एक्सेसिव वर्क उस प्रकार का हो जाता है जिससे उनमें वीकनेस डेवलप हो जाती है जी, जब फिर वो दे गेट मैरिड और दे कम इन कॉन्टेक्ट विद देयर पार्टनर, तो फिर ये रिफ्लेक्स उस समय बराबर, क्योंकि जो डिपॉजिट दिमाग में हुआ है दिमाग ऐसे ही काम करता है, क्योंकि एक्ट ऑफ सेक्स इज इन कंट्रोल ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, वो आपके कॉन्शियस नर्वस सिस्टम के इसमें नहीं आता है, वो परफॉर्म होती है ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स से, तो जो चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी है ब्रेन में फिर वही वो परफॉर्म होती है, हाँ, जो अंदर है वही बाहर निकल, वही परफॉर्म होती है, उस समय उसका खुद का कंट्रोल इस एक्ट पे नहीं आ पाता, इसीलिए फिर उसको काउंसलिंग करके उसकी पुरानी जो जो भी लर्न रिफ्लेक्सेस है उनको आपको डिलीट करना पड़ता है, वो इतना ईजी नहीं जाता, क्योंकि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ हिज ग्रोथ वो सारी चीज़ें उसके दिमाग में डिपॉजिट हो जाती है, इसलिए फिर इस व्यक्ति का काउंसलिंग करके उसको अलग 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 प्रकार की रेमेडीज बता के जी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अलावा मेडिसिन भी है जी, जी मेडिसिन बिल्कुल अच्छा काम करते हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन आर वेरी गुड सिंस वेरी लॉन्ग एज, 4,000-5,000 ईयर्स बैक से सेम मेडिसिन आर वर्किंग इन दिस, एक इतिहास रहा है आयुर्वेद, बिल्कुल आप देखिए खंगाल के देखिए वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल मिलेगा जी, तो वो सारी मेडिसिन पर्टिकुलर डोजेस में पर्टिकुलर एज के हिसाब से उस पर्टिकुलर पर्सन को अगर पेशेंट को दी जाए तो उससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं, और ये सारी समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होके पर्सन कैन हैव अ वेरी गुड सेक्सुअल लाइफ इन हिज फ्यूचर। इसका मतलब उसको मेडिसिन के साथ में एक साइकोलॉजिकल पैरामीटर में भी अपने आप को पॉजिटिव मोड पे लाना पड़ेगा, तब जाके जो है उस व्यक्ति के मतलब उसका दाम्पत्य जीवन जो है उसमें से लैंगिक समस्या को हम पूरी तरह से निरस्त कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इन लैंगिक समस्याओं की वजह से सामाजिक स्तर पर भी व्यक्ति पर प्रभाव इसका पड़ता होगा। डेफिनेटली जी, सामाजिक देखिए आदमी घर में खुश है तो फिर वो बाहर भी खुशियाँ बांटता है जी,
आदमी घर में खुश नहीं है तो फिर सामाजिक असर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इसी से डेवलप होता है, कई बार इनफर्टिलिटी भी डेवलप हो जाती है, यानी वंध्यत्व भी आ जाता है कि यू कैन नॉट परफॉर्म दिस एक्ट, यू आर नॉट फिट। कई बार फिर उसी से ओलिगोएजोस्पर्मिया यानी स्पर्म काउंट कम हो जाना, या फीमेल्स में भी ये सारे प्रॉब्लम। हाँ, अगर वो होगा तो फिर आप में जो मतलब आपको परिवार बढ़ाने के जो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर भी इसका बुरा असर पड़ना ही है। डेफिनेटली, तो आगे जाके ये प्रॉब्लम्स डेवलप होती है जी। और फिर कैसा है कि आपका दाम्पत्य जीवन है उसमें अंडरस्टैंडिंग और इस यौन संबंधों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता है जी। तो क्या मतलब मैं वही समय आपसे पूछना चाहता कि कितना महत्व एक दाम्पत्य जीवन में यौन संबंधों का होना चाहिए। बिल्कुल, यौन संबंधों का दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा, खासकर पहले अर्ली मिड लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। पहले कम से कम 4-5 साल दाम्पत्य जीवन में ये चीज़ें अगर बहुत अच्छी रहे और आगे भी ये सारी चीज़ें सही तरीके से चलती रहे तो उन दोनों में अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाता है और उनका फ्यूचर लाइफ भी, उनको मैरिड लाइफ में जो उनके परिवार को आगे बढ़ाना है, परिवार नियोजन जो करना है, वो सारी चीज़ें भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसीलिए इसका आप समझ ही सकते हैं कि सामाजिक और कौटुंबिक कितना इंपॉर्टेंस होता होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बेहतर तरीके से आपने बताया। तो कहीं ना कहीं लैंगिक समस्या की वजह से व्यक्ति की, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, इनके शारीरिक विकास पर और मानसिक विकास पर भी या उनकी हेल्थ जो पैरामीटर पर भी इसका असर पड़ता होगा, अच्छा या बुरा। बिल्कुल, क्योंकि कहा जाता है, मॉडर्न साइंस के रिसर्चर्स कहते हैं कि हैविंग अ गुड सेक्सुअल लाइफ इज़ अ इम्यूनो बूस्टर, यस, इज़ अ साइकोलॉजिकल बूस्टर। आप फैमिली में खुश रहते हैं, आप एक दूसरे के साथ अच्छे अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हैं, और वेन यू हैव अ गुड सेक्स इन अ पर्टिकुलर अमाउंट पर डे और वीक, तो आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है जी। यू ग्रो बेटर, यू फील फिट, एंड यू आर साइकोलॉजिकली एब्सोल्युटली हैप्पी एंड फिट। ये बिल्कुल रिसर्च कहता है कि इसलिए ये यौन समस्या सॉल्व होनी ही चाहिए, यौन जीवन आपका अच्छा ही होना चाहिए। मतलब इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते, इसको भी आपको उतना समय जितना आपके बाकी हमारे जो बीमारियां रहती हैं, बाकी बीमारियों को भी जहाँ हम तवज्जो देते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हमारे दाम्पत्य जीवन में अगर ऐसी कोई लैंगिक समस्या है तो हमें उसके तरफ दुर्लक्षित नहीं होना है, हमें उसको भी इतना ही महत्व देना है। और एक्सपर्ट्स हमारे पास में मौजूद है कि अगर आप सही सलाह लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब बता रहे थे कि आयुर्वेद में इसका उपाय है, समाधान है, और एक अच्छे दाम्पत्य जीवन की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। आपने डॉक्टर साहब अभी अभी कहा कि इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, तो इम्यूनिटी का भी लैंगिक समस्या से डायरेक्ट सीधा सीधा कनेक्शन होता होगा। एक तो मैंने आपको बताया कि अगर आपका ये दाम्पत्य जीवन जी और आपके यौन संबंध अच्छे हैं जी, तो आप हैप्पी रहते हैं, बिल्कुल हैप्पी हॉर्मोन्स हो गए, आपकी नींद अच्छी होती है, आपका शरीर काफी रिलैक्स हो जाता है, स्ट्रेस काफी रिलैक्स हो जाता है जी, एंड यू बिकम वेरी वेरी हेल्थी, बिल्कुल, जिसकी वजह से हमेशा आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहती है। बिल्कुल, एक अंदर से पूरा आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आपका मानसिक स्वस्थ रहेगा, तो ये जो कॉम्बिनेशन है मानसिकता का और शरीर का, वो जब बहुत बेहतर होगा, और जिसके लिए कि लैंगिक क्रिया जो है आपकी वो अगर बहुत बेहतरीन होती है, तो कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव असर जो डेफिनेटली, और जो इसके लिए मेडिसिन आयुर्वेदिक यूज की जाती है, दे आर मोर इम्यूनो बूस्टर जी। देखिए, ये कहा जाता है कि शरीर में ये जो मेडिसिन है, जैसे अश्वगंधा, शतावरी जी, शिलाजीत, गुड़ूची जी, इसके अलावा हरिद्रा, हल्दी जी, बराबर, आमलकी जी, ये तो बहुत बेसिक हर्ब्स है जी। इसके अलावा दालचीनी जी, और इन सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, अभी सभी हम लोग अवगति है इनसे, ये सारी चीजें इनमें से जी, ये डेफिनेटली आपके शारीरिक और यौन शक्ति को बढ़ाती है। इसके अलावा आपके शरीर की इम्यूनिटी को भी बूस्ट जी, बिल्कुल, बिल्कुल, आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, तो दे आर इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे के साथ संबंधित है। तो इम्यूनिटी में भी एक तो आप जैसे आप नॉर्मल लाइफस्टाइल जियो जी, खाना खाओ, ठीक से सो, ठीक से वर्क करो, एक्सरसाइज करो, इसके अलावा अगर आप मैरिड हो और आपके दाम्पत्य जीवन में हो तो प्रॉपर अमाउंट ऑफ सेक्स आपको सेटिस्फेक्शन तक मिलना भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ऐसा रिसर्च करता है। जी बिल्कुल, मतलब ये आपके जिंदगी का एक अविभाज्य 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 अंग जो है वो बन गया, एक
आवश्यक क्रिया जो है वो हो जाती है दाम्पत्य जीवन के लिए। बस इसका जो है आपको एक सही तरीके से पॉजिटिव मोड में जाकर इसका जो है उपाय योजना भी करनी है और एक सही सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए काफी अग्रसर हो सकती है। डॉक्टर साहब, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो आपको लैंगिक समस्याओं के बारे में बताना और कोरोना की जो आज की स्थिति बनी हुई है इससे भी हम काफी जूझ रहे हैं, तो क्या इन सबको मिक्स करते हुए एक बेहतर जीवन जीने के लिए आप क्या बताएंगे? देखिए, कोरोना या फिर ऐसी महामारी जो अभी फैली हुई है जी, इसमें एक ही चीज़ है कि आपको आपकी इम्यूनिटी हमेशा बूस्ट करके रखनी। इम्यूनिटी या रोग प्रतिकारक क्षमता जी, ऐसे बहुत पुरानी टर्म है और इम्यूनिटी के बारे में डॉक्टर्स हमेशा कहते रहते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हमेशा इसके पीछे पड़ा रहता है जी। इम्यूनिटी मेंटेन करने के लिए, रोगों से, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर से बचने के लिए कई समय से इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम भी चलाया जाता है जी, और डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट उसके लिए बहुत खर्चा करता है, गवर्नमेंट खर्चा करती है। बट अभी कोरोना आने के बाद लोगों को इम्यूनिटी इस वर्ड का ज़्यादा अच्छे से ज्ञान हो गया जी, इम्पोर्टेंस उसकी इतनी बढ़ गई है कि अगर निकाला जाए कि पिछले 400 सालों में लोगों ने जितनी विटामिन नहीं खाई होगी जी, वो इस साल ये 2020 में सब लोगों ने उसका कंजम्पशन कर लिया। तो इम्यूनिटी बूस्ट रखने के लिए जो जो भी उपाय आप कर सकते हैं जी, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसके साथ साथ आपका सुखी दाम्पत्य जीवन और सुखी और सेटिस्फैक्टरी यौन संबंध भी आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, तो उस पर्टिकुलर अमाउंट में उसका सेवन करना और वैसी लाइफ को जीना ये अतिशय आवश्यक है। इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, इम्यूनिटी बढ़ाना, एक्सरसाइज करना, आपके जो भी, अगर आप हाइपरटेंसिव है या ब्लड प्रेशर बढ़ा है, डायबिटिक है या फिर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, उनको मैनेज करते करते ये आपका पर्सनल लाइफ भी में आप उसमें भी खुश होना अति आवश्यक। इसलिए लोगों टेक होम मैसेज यही है कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें और जो आज हमने डिस्कस किया उसका भी खास ख्याल रखें, अपने आप को हैप्पी रखें जी। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। कुछ चीज़ें जो है इसका सार मैं दर्शकों के सामने रखना चाहूँगा कि लैंगिक समस्या ये कोई ऐसी समस्या नहीं है कि अब इस पर उपाय नहीं है, और आज हम जिस आधुनिक जीवन की बात कर रहे हैं अगर कोई भी ऐसी समस्या है तो हमारे पास में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, हमने उनसे बात करनी चाहिए। एक और अहम चीज़ जो है युवा वर्ग के लिए जो है डॉक्टर साहब ने बताया वो ये है कि कम आयु में इन सब चीज़ों के पीछे इसका सही आकलन होना, इसकी सही जानकारी होना, पोर्नोग्राफी से दूर रहना, ये हमारे आने वाले जीवनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। कोरोना के पार्श्वभूमि पर भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है कि हमारी यौन जो जीवनी है वो बेहतर रहे, दाम्पत्य जीवन जो बेहतर रहे। इस बीच अगर कोई समस्या आती है तो डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, फिर से हम डॉक्टर साहब से फिर से किसी और ऐसी चर्चा में बात करेंगे। तब तक के लिए डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया।